बिहार में इस साल बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं के नतीजे इसी महीने यानी कि 15 मई तक आने की संभावना है। बोर्ड के अधिकारियों के माने तो रिजल्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इंटर साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स की परीक्षाओं के अलावा 10वीं बोर्ड की कॉपियां भी जांच ली गई हैं। बोर्ड ने पिछली बार के टॉपर्स पर उठे सवाल के बाद टॉपर्स का फिजिकल टेस्ट कराने का भी फैसला लिया है। पिछले साल की तरह इस साल भी टॉप 20 में शामिल परीक्षार्थियों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में इस बार कुल 17,70,042 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि इंटर की परीक्षा में 12,08,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने पूर्व में हुई गड़बड़ियों के बाद मूल्यांकन का कार्य पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण किया है। पिछली बार मैट्रिक और इंटर दोनों की परीक्षा के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे। परीक्षा के नतीजे 15 मई को जारी हों इसके लिए बोर्ड पूरी तरह से तत्पर है। परीक्षा के नतीजे BSEB के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक किए जा सकेंगे। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।